किस स्पिरिट्स में आप इसे देखते हैं यहाँ पर? आपको लगता है कि जिस तरह से उन्होंने कहा है कि भाई हालिया स्थिति ठीक नहीं है, तो क्या इस तरह के बजट्स को रोक करके प्रदेश की स्थिति ठीक हो पाएगी? किन स्पिरिट्स में आप इस डिसीजन को देखते हैं? लेकिन मैं समझता हूँ कि विधायक क्षेत्र विकास निधि को रोकना विकास को रोकना एक तरह का, क्या विकास को रोक करके ही आपकी जो आर्थिक स्थिति ठीक होगी क्या? ये सारी चीज का जवाब तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री से पूछना चाहिए। लेकिन सीधी सी बात है कि जो प्रोविजन किया गया है उस प्रोविजन के अंतर्गत आप जो अंतिम किस्त बची है उसको जारी करें, आप विकास कार्य को नहीं रोक सकते हैं। आज आप पूरे हिमाचल प्रदेश में देख रहे हैं सड़कों के काम बंद, पुलों के काम बंद, स्कूलों के काम बंद, हॉस्पिटल के काम बंद, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर हमने खड़ा करने के लिए काम शुरू किए हैं तो सारे काम बंद पड़े। एक ही कहा जा रहा है पैसा नहीं है। ये हालात पहले भी रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ऋण जब कांग्रेस की सरकार छोड़ करके गई थी भाजपा की सरकार कांग्रेस सारा ऋण चुकता करके गए थे, ऋण तब भी थे, लायबिलिटीज तब भी थी और आज भी है और लायबिलिटीज आगे भी रहेंगी और ऋण की स्थिति जो है आने वाले समय में भी इस प्रकार से कम नहीं होने वाली, ऋण की स्थिति रहेगी। लेकिन इसका रास्ता निकालना पड़ेगा। विधायकों के अधिकार को इस तरह से नहीं छीना जा सकता है और जनप्रतिनिधि है और जनप्रतिनिधि होने के नाते विधायकों की एक जिम्मेवारी है जनता के प्रति और उस जवाबदेही के लिए विधायक तैयार हैं, वो काम करते हैं। लेकिन इस प्रकार से उनके विकास कार्य को रोकने के लिए ऐसे इस तरह का रुख नहीं करना चाहिए। सर, आपने एक सुझाव दिया कि जिस तरह से यदि हम रेस्ट हाउसेस की बात करें तो वहां पर 1200 कर दिया गया है या खाने के रेट्स बढ़ा दिए गए, अधिकारियों के कॉन्टेक्स्ट में भी आपने कहा है कि उन्हें भी इस तरह से जो है वो चीजें होनी चाहिए, इस पर थोड़ा सा प्रकाश डाल। देखिए, यही सुखविंदर सिंह सुक्खू जी जो वो विधायकों के अधिकारियों की बातें बहुत जोर जोर से करते थे और मुख्यमंत्री बनने के बाद शायद इनको इस बात का आभास ही नहीं कि वो भी विधायक है। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, कमरे का इन्हें जो टैरिफ हिमाचल भवन हिमाचल सदन में जो बढ़ा करके उसको 1200 रुपए कर दिया टैक्स के साथ, वो 1400 रुपए पड़ता है वो। और ये भी मैं बता रहा हूं कि वो पैसा जो है विधायकों को रिफंडेबल नहीं होता है, क्योंकि जो एक ट्रैवल और इसके लिए जो हम प्रोविजन किए हैं 4 लाख रुपए के विधायकों के लिए, उसमें वो रिफंडेबल नहीं है, वो कवर नहीं होता। उसमें बड़ा क्लियर है कि हिमाचल भवन और हिमाचल सदन में अगर अकोमोडेशन नहीं है उस सूरत में, और हिमाचल भवन और हिमाचल सदन में जब अकोमोडेशन अवेलेबल है वो रिफंडेबल नहीं है। लेकिन दूसरी बात में ये जो कह रहा था मैं खाने पर सब्सिडी थी उसको विड्रॉ कर दी, मुझे उसमें भी कोई आपत्ति नहीं, वो ठीक है, उसमें कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं, किसी को करनी भी नहीं चाहिए। खाने पर सब्सिडी विधायकों को नहीं होनी चाहिए, मैं भी इस बात से सहमत हूँ। लेकिन उसके बावजूद अधिकारियों के बारे में क्यों इतना नरम पड़े हुए? कर्मचारियों को 500 रुपए में कमरा, अधिकारियों को भी 500 रुपए कमरा, और उसके बाद जब वो ऑफिशियल टूर के नाते वो भेजते वो रिफंड करते हैं पैसे को। हमारा कहना तो ये है जो बराबर किया जाए इसको, तो इसलिए मेरा कहने कि मेरा किसी अधिकारी से ये नहीं है, लेकिन सिर्फ विधायकों के ऊपर इस तरह से खबर के लिए खबर बनाने की कोशिश करना, ये मुझे लगता है उचित नहीं, व्यवहारिक चीज सोचनी चाहिए। शुक्रिया बातचीत के लिए।